बिहार से जो अपडेट सामने आ रही है, बिहार में इस वक्त सियासी हलचल है, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई कुछ कह नहीं रहा है। इस बीच जो बयानबाजी हो रही है वो आपको बता दें, बिहार की सियासत पर संजय राउत ने बयान दिया है, नीतीश कुमार सबसे बड़े पलटू राम है। ये संजय राउत कह रहे हैं, बीजेपी राम की बात करती है, पलटू राम के साथ जाती है। जो बिहार में चल रहा है तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। एक जगह पर आप अयोध्या की राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ बिहार में आप पलटूराम को साथ में लेकर जाना चाहते हो, तो देश में राम लाना चाहते हो या पलटूराम की सत्ता लाना चाहते हो। जो बिहार में चल रहा है तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे। तो संजय राउत ने देखा क्या कहा कि बीजेपी जो है वो राम राज्य की बात करती है, दूसरी तरफ पलटू राम के साथ जाती है। अभी तक जो लोग थे, जो नेता थे, वो यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है पलटी नहीं मारेंगे। इंडी गठबंधन को लेकर उनकी भागीदारी जिस तरीके से रही है वो इंडी गठबंधन के साथ रहेंगे, लेकिन अब देखिए जल्द जल्द जो रिएक्शंस हैं वो चेंज हो रहे हैं। और अब चलिए आपको समझाते हैं कि जेडीयू किस वक्त सियासी समीकरण सभी पार्टियां अपने आप में बिठाने में जुड़ी हुई हैं। बीजेपी एक बार फिर से अगर नीतीश कुमार के साथ जाती है तो बीजेपी पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब रिएक्शन अलग होने लगे हैं, सभी कह रहे हैं कि दरवाजे परमानेंट बंद नहीं होते राजनीति में, लेकिन क्यों जरूरत नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार आरजेडी बीजेपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, जरा ये समझाइए। हालांकि हमने आंकड़े दिखाए हैं, लेकिन किस तरीके से किंग मेकर आखिरकार नीतीश कुमार बने रहते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है बिहार को, जब हम बिहार की चर्चा करते हैं तो बिहार की जब हम चर्चा करेंगे तो बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है जातिगत राजनीति, और जातियों के आधार पर सबसे ज्यादा यदि राजनीति होती है पूरे देश भर में तो वो बिहार में होती है। इसीलिए हर जाति अपने आप को सरकार में रखने के लिए, अपने प्रतिनिधि को सरकार में रखने के लिए पुरजोर तरीके से सपोर्ट करती है अपने नेता का। और यही वजह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी खुद से जाकर पूरे के पूरे बिहार में ओन अपनी दम पर यदि चुनाव लड़ने जाएगी तो निश्चित तौर पर उसको वो सफलता नहीं मिल सकती है जो उसको चाहिए है। बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें उसको चाहिए है, तो उसको या तो जेडीयू के साथ में वहां पर जाना पड़ेगा या आरजेडी के साथ में जाना पड़ेगा। आरजेडी के साथ में बीजेपी जा नहीं सकती है, इसलिए चूंकि जेडीयू के साथ में नीतीश कुमार के साथ में बहुत पुराना रिश्ता है एनडीए का और लगातार चलता चला आ रहा है, इसलिए हाँ। सबसे ज्यादा आसान जो है बीजेपी के लिए वो दांव खेलना है नीतीश कुमार पर। और चूंकि बिहार की राजनीति जाति आधारित है, इसलिए उन सभी जातियों के, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो माझी हो, चाहे वो पासवान हो, तमाम को लेकर चलना पड़ेगा। और शायद इसलिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हिमांशु, लौटूंगी आपके पास। एक और बिहार की सियासत से जुड़ी जो खबर मिल रही है वो दर्शकों को पहले बता दे, जीतन राम मांझी से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मिले हैं। मांझी के आवास पर सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है, 10 मिनट तक बताया जा रहा है दोनों के बीच बातचीत हुई है। 10 मिनट की ये बातचीत काफी अहम हो जाती है, क्योंकि कल खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि जीतन राम मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम का पद का ऑफर मिला है, वो भी आरजेडी की तरफ से। अगर एचएएम के 4 विधायक हैं वो अगर आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, यानी आरजेडी भी गणित बिठाने में लगी हुई है कि किसी तरीके से संख्या बल जो है उनके साथ हो जाए, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें सबसे ज्यादा विधायक जो है वो आरजेडी के पास है। तो ये सम्राट चौधरी की मुलाकात जीतन राम मांझी से इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, 10 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत चली है, ताकि सम्राट चौधरी यानी बीजेपी इस बात को मानकर चले कि जीतन राम मांझी उनके साथ हैं, कहीं वो तो पलटने वाले नहीं है। हिमांशु, एक तरफ तो नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, जीतन राम मांझी कहीं पलटी ना मार दे, शायद मुलाकात इसलिए हुई है सम्राट चौधरी की जीतन राम मांझी से। देखिए, बिल्कुल 100% ऐसा हो सकता है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले भी जीतन राम मांझी को जब मुख्यमंत्री बना दिया था उसके बाद में नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच में बहुत जबरदस्त तलखियां हो गई थी, वो हट गए थे। और जब जेडीयू के साथ जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी थी तब भी जीतन राम मांझी हट गए थे। तो अब एक बार फिर से जब नीतीश कुमार को बीजेपी अपने पाले में लेकर आ रही है, तो निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी के जो 4 विधायक हैं हम पार्टी के,
जीतनराम मांझी को भी सेट करना जरूरी है। और जीतनराम मांझी के मन में यदि किसी प्रकार की दुविधा है, किसी प्रकार के प्रश्न है, तो उनको भी सेटिस्फाई करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके बिना ये काम हो नहीं पाएगा। और देखिए, बिहार में यदि जीतना है तो सभी जातियों को साधना पड़ेगा, सभी जातियों के प्रतिनिधियों को अपने साथ रखना पड़ेगा। ये बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादातर जातियों के लोग जो है वो उनके साथ में रहे। और देखिए, अभी एक और बड़ी खबर हम देने वाले हैं कि बहुत जल्द अमित शाह के आवास से मुलाकात करने के बाद में जो मीटिंग है, दरवाजा खुल गया लगता है। नीतीश जी भी तैयार है, आपका कौन सा दरवाजा खोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अभी तो नीतीश जी की सरकार है, लालू जी उसके पार्टनर। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, गिरिराज सिंह भी लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। जब से बिहार में सियासी हलचल तेज है, तब से गिरिराज सिंह भी मुखर होकर कह रहे हैं। लेकिन देखिए, सबको यही कह रहा है बार बार कि राजनीति में दरवाजे किसी के लिए परमानेंट बंद नहीं होते, औपचारिक ऐलान मात्र अब रह गया है जब औपचारिक ऐलान हो। इस बीच सियासी हलचल इस तरीके से बढ़ती हुई, बिहार से लेकर दिल्ली तक अगर बात करें, जो कि हिमांशु बता रहे थे कि चिराग पासवान अमित शाह के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे और वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, मीटिंग हो रही थी। हिमांशु, आप बड़ी अपडेट कुछ दे रहे थे, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपडेट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी का सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अभी चिराग पासवान अमित शाह के आवास से निकलने वाले हैं और निकलकर वो सीधे यहां पर आने वाले हैं अपने आवास पर। और उन्होंने ये जाते हुए कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही मैं मीटिंग करके आऊंगा तभी आप लोगों को बता पाऊंगा कि बिहार में काबा, मतलब क्या इस बार एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ में। हिमांशु नजर बनाए रखिए, जैसे चिराग वहां पर पहुंचते हैं हम आपके पास आएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, गिरिराज सिंह का लालू नीतीश पर निशाना, लालू पुत्र मुंह में है और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये कहना है गिरिराज सिंह का। लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, यानी कि जो दूरी आई है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में वो इस वजह से आई है क्योंकि लालू पुत्र मुंह में है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने। पार्टी से जो कहता नहीं है कि खूंटा से गाय रस्सी तोड़ करके भाग गया, रस्सी तोड़ के जो भागे वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भागे। तब खटका तो लालू जी इसमें सबसे बड़े बाधक रहे। लालू जी राहुल गांधी के सिवा तो इनको कभी प्रमोट ही नहीं किया। हमको लगता है कि बिहार में भी कहा जा रहा है कि लालू जी नया दुल्हा अपना बेटा को बनाना चाह रहे थे, उनको पता चल गया कि हमको हटा देंगे तो आपके। अच्छा, क्यों नहीं दुल्हा बना पे बेचारे पुत्र मोह में है और बेटा को गद्दी पर बिठाने के लिए ही तो सारा चीज कर रहे हैं, तो वो क्यों ना करे। हम पहले भी कहते थे 8-10 को MLA तो टहलते हुए आ जाएगा लालू जी के साथ, आज भी वो स्थिति है। बिहार में जो सियासी खेल चल रहा है उसको लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बिहार के सियासी उथल पुथल पर देखिए, अब प्रशांत किशोर ने कहा है मीटिंग करने से बदलाव नहीं आता, इंडी गठबंधन की सच्चाई सामने आ रही है। प्रशांत किशोर एक बार फिर से मुखर हुए हैं और कह रहे हैं कि मीटिंग करने से कोई साथ नहीं आ जाता, यानी अभी तक जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई उस पर निशाना साधते हुए इंडी गठबंधन की सच्चाई सामने आ रही है। और बिहार में आज जो कुछ होगा, कल जो कुछ होगा, वो ये बता देगी कि इंडी गठबंधन किस तरीके से खंड खंड नजर आने लगा है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। तरह के गठबंधन जिस तरह जो बनाए जाते हैं, जिसमें नेता लोग बैठ के चाय पिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक इंटेंट जारी किया कि हम लोग सब साथ में हैं, इससे जमीनी हकीकत पर राजनीतिक सामाजिक स्थिति पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, काम करने का संगठन नहीं है, संसाधन नहीं है, तब तक सिर्फ नेताओं के साथ में बैठकर किसी गठबंधन के बना लेने से जमीन पर क्या असर पड़ेगा। और जब आप इस तरह का कोई प्रयास करेंगे उसका असर लोगों को दिखेगा नहीं, तो फिर भगदड़ या उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आना स्वाभाविक है, आज आए या चुनाव के रिजल्ट के बाद आए। जब और एक और खबर जो इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी हुई मिल रही है, ब्रह्मेश्वर मंदिर में नीतीश कुमार ने पूजा अर्चना की है। बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे भी नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहे। ये तस्वीरें
जो सामने आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखा रहे हैं। ब्रह्मेश्वर मंदिर में नीतीश कुमार ने पूजा अर्चना की। इसके पहले एक सरकारी कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार पहुंचे थे, वहां पर भी बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे उनके साथ मौजूद थे। सवाल भी अश्विनी चौबे से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हुई है वही जो राम रची राका। अब देखना यही है कि कल नीतीश कुमार क्या इस्तीफा देते हैं, क्योंकि विश्वसनीय सूत्र यही बता रहे हैं। और बिहार से आई ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। औपचारिक ऐलान मात्र नहीं हुआ है, लेकिन देखिए ये तस्वीर। कल तक बीजेपी के सांसद हो या बीजेपी के विधायक, नीतीश कुमार के साथ खड़े होना नहीं चाहते थे, लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। इस वक्त हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा जो कि पटना में मौजूद है रावड़ी आवास के बाहर, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सियासी हलचल के बीच कब औपचारिक ऐलान होगा। विद्या, आप पटना पहुंच चुके हैं, रावड़ी आवास के बाहर है। आरजेडी के लिए बहुत कठिन वक्त कह सकते हैं, लेकिन आरजेडी भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। इधर तो सब कुछ साफ हो गया, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन आरजेडी क्या कुछ कर सकती है, क्या कुछ गणित बना या बिगाड़ सकती है? देखिए, बिहार की राजनीति में 24 घंटे में जो बदलाव हमने देखा है, उसके बाद अब बहुत कुछ ज्यादा ऐसा बचा नहीं है कि जिसको लेकर ये कहा जाए कि सस्पेंस है, क्योंकि लगभग ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ जाएंगे, नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी भी लगातार प्रयास में है, कोशिश में है कि जोड़ तोड़ कर सके। हम इस वक्त लालू यादव के घर के बाहर मौजूद हैं। लालू और तेजस्वी अभी घर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर आरजेडी के तमाम विधायकों को बुलाया गया है। विधायकों के साथ ये मीटिंग होनी है। इस मीटिंग के बाद यहाँ से कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन अभी जो बिहार की राजनीति है उसकी सरगर्मी देखी जा सकती है। एक तरफ हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि अश्विनी चौबे नीतीश कुमार को लेकर मंदिर जाते हैं। वो कहते हैं कि पहली बार भी नीतीश कुमार जी को मैं ही यहाँ लेकर आया था और इस बार भी मैं ही लेकर आया हूँ, तो हो वही जो राम रची राखा, प्रभु श्री राम के भरोसे वो सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये बहुत लंबे अरसे के बाद देखने को मिली है, काफी वक्त के बाद देखने को ये तस्वीर मिली है कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आपको नीतीश कुमार के साथ इस तरीके से बात करते हुए, मिलते हुए, उनको मंदिर ले जाते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ की जो राजनीति है वो बिल्कुल बदल चुकी है। पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो बिहार की राजनीति ने एक नया रूप दिखाया है और एक नए रास्ते पर, और आने वाले 24 घंटे में भी विद्या कह सकते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, पानी की तरह साफ। हालांकि तस्वीर तो साफ हो